हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करेंगे कि हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहलाता है, जिसको कि हम बीओडी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वाटर टैंक ले रखा है। इस वाटर टैंक में हमने पॉल्यूटेड वाटर भरा हुआ है। तो ये वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड है। इस वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वाटर में जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है एज अ वेस्ट प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है इस वाटर में प्रेजेंट है एज अ वेस्ट। इस कारण ये वाटर हमारा कैसा है? पॉल्यूटेड है। अब चूंकि अगर ये वाटर पॉल्यूटेड है तो इस पॉल्यूटेड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो इस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हुए ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं, इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अब इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये जो पॉल्यूटेड वाटर लिया हुआ है, उस पॉल्यूटेड वाटर का वॉल्यूम जो है वो फिक्स करना होगा, तभी आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटरमाइन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो हमें पहला काम क्या करना है? हमें वाटर वॉल्यूम जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो सपोज कि ये वाटर वॉल्यूम जो है वो कितना है? 2 लीटर है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉल्यूटेड वाटर में इतनी ऑक्सीजन डिजॉल्व करानी है ताकि ये वाटर हमारा कैसा हो जाए? ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो जाए। तो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड करना है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर बनाना है हमको। तो जब आप इसको ऑक्सीजन से सैचुरेटेड कर दोगे तो आपको यहां पे इतना मालूम होगा कि हमने कितनी ऑक्सीजन यहां पे डिसॉल्व की हुई है। तो आपको यहां से ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो पता चल जाएगा। तो सपोज आपने यहां पे 2% ऑक्सीजन या 5% ऑक्सीजन या 0.5% ऑक्सीजन डिसॉल्व की है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वेट ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100। तो यहां से हमें ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा। अब चूंकि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन कम होगा, लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन ज्यादा होगा, तो जब आप इस वाटर को ऑक्सीजन से सैचुरेटेड करने जाओ तो वहां पे आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर फिक्स करना होगा। सपोज टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब चूंकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, जो कि हमें नेकेड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते, इस कारण ये ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं, बहुत कम कम करते हैं। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वो फिक्स करने होंगे ताकि वो इतनी ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले, कंज्यूम कर ले, जिससे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटरमाइन कर सकें। तो सपोज आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वो फिक्स कर दिए, तो हमें डेज फिक्स करना है। आपने 5 दिन का टाइम जो है वो इनको दे दिया कि 5 दिन में आप जो है जितनी ऑक्सीजन आपको एब्जॉर्ब करनी है वो कर लो। फिर 5 दिन बाद जो है हम इस पॉल्यूटेड वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है डिटरमाइन करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? तो इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ऑक्सीजन इन अ 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये हमारे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन हो गई। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो हम ppm में मेजर करते हैं, पार्ट पर मिलियन। ऐसा क्यों? तो सपोज ये पॉल्यूटेड वाटर जो है वो कितना है? ये 2 लीटर है। इस वाटर में जो है वो 10 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व है। अब 5 दिनों तक
तो हमें नंबर ऑफ डेज कितने फिक्स करने हैं, 5 days। अब 5 दिनों तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो 5 दिन बाद हमें क्या करना है, इसमें से डिसॉल्व ऑक्सीजन को इवैक्यूएट कराना है। तो इनिशियल ऑक्सीजन का अमाउंट था 10 ग्राम और जब आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला तो वो 9.9 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन बची। तो इनिशियल ऑक्सीजन जो है वो 10 ग्राम था, अनयूज्ड O2 जो है वो हमारा 9.9 ग्राम है। तो यूज्ड O2 बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कितना है, 0.1 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए आप BOD जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना यूज होगा, 0.1 ग्राम, वाटर का वॉल्यूम कितना है, 2000 मिलीलीटर इंटू 100, तो ये आता हमारा 0.005%। चूंकि ये आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आए, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में आए, तो फिर हमें परसेंटेज की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, PPM यूज करना पड़ेगा। तो PPM में निकालते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट 0.1 ग्राम है, वाटर वॉल्यूम 2000 मिलीलीटर है इंटू 10^6, तो ये आएगा हमारा 50 PPM। तो हमारे पॉल्यूटेड वाटर की ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD कितनी है, 50 PPM है। तो चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो बहुत 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 कम करते हैं, इस कारण BOD वैल्यू जो है वो परसेंटेज में मेजर ना करके हम PPM में मेजर करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में आए। तो अब समझ गए कि BOD जो है वो हम PPM में मेजर क्यों करते हैं। इसके बाद हम BOD की डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारी डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने वाटर सैंपल जो है वो 2 लीटर लिया हुआ था, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस किया हुआ था और स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है हमने 5 डेज लिए हुए थे। तो 2 लीटर पॉल्यूटेड वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है वही हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो ऐसा वाटर जिसको आप क्लीन वाटर कह रहे हो तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि उसका BOD वैल्यू जो है वो 5 ppm से कम होना चाहिए। ऐसी रिवर जिसको आप पॉल्यूटेड बोल रहे हो, इसका मतलब है उस पॉल्यूटेड रिवर की BOD वैल्यू जो है वो 17 ppm या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जो हमारा सीवेज वाटर होता है उस सीवेज वाटर की BOD वैल्यू पता है कितनी होती है, वो 100 से 140 ppm के बीच होती है। तो ये हमारा BOD हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।